हेलो गाइस, तो बात करने वाले हैं बेबी डॉज कॉइन के अपडेट्स के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है जहां पे बेबी डॉज कॉइन का टोटल वैल्यू लॉक जो है इंक्रीज हो गया 10 मिलियन का तो हो गया। तो गाइस, इससे बेबी डॉज कॉइन का प्राइस में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, सप्लाई में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, पूरा रियलिस्टिक डेटा के साथ बताने वाला हूँ। साथ ही साथ गाइस, न्यू लिस्टिंग से रिलेटेड अपडेट निकल कर रही है, सभी कुछ कवर करने वाले इस वीडियो में। चैनल पर न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलो यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस, जैसे कि आपको पता है कि बेबी डॉज कॉइन का टोटल वैल्यू लिक्विडिटी जो है टोटल वैल्यू लॉक जो है इंक्रीज होकर 10 मिलियन हो गया, और इनका प्रोटोकॉल में भी गाइस 50 मिलियन प्लस टोटल वैल्यू लॉक्ड है। इसका मतलब गाइस कि यहां पे इन्होंने काफी चीजें यहां पे ऑलरेडी अपलिफ्टमेंट कर चुकी है। जहां पे देखो तो आवर टोकन लॉकर इज ओनली फ्री टोकन लॉकर, ओनली पे गैस फी टू कीप योर टोकन और लिक्विडिटी सेफ। इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा सप्लाई में, आपको बता देना चाहता हूं। जब भी गाइस कोई भी टोकन का टोटल वैल्यू लॉक्ड इंक्रीज होती है तो उनका गाइस लिक्विडिटी बढ़ती है। लिक्विडिटी अगर बढ़ेगी तो मार्केट में पॉपुलैरिटी होगी गाइस, पॉपुलैरिटी होने से गाइस एक्सचेंज लिस्टिंग होगी, एक्सचेंजेस को कॉन्फिडेंस आएगा, और साथ ही साथ उनका यूजेबिलिटी केस सभी चीज बढ़ते हैं। तो गाइस ये तीन चीज होती है जब भी कोई भी टोकन का लिक्विडिटी होती है। टोटल वैल्यू लॉग्ड कैसे निकलता है उसको गाइस, टोटल नंबर ऑफ टोकन जो भी स्टेकिंग की है उसको गाइस आप मल्टीप्लाई कर दो उनका करंट प्राइस से, तो गाइस यहां पे टोटल वैल्यू लॉक निकल जाएगा। इसका मतलब क्या है गाइस, जो करंट प्राइस है बेबी डॉज कॉइन का वो आपको 217 की सीरीज में देखने को मिलेगा। लेकिन गाइस सबसे अच्छी बात है कि यहां पे स्टेकिंग और इंक्रीज हो रही है, तो स्टेकिंग इंक्रीज होगा तो टोटल सप्लाई में गाइस यहां पे रिडक्शन आपको देखने को मिलेगी। लेकिन गाइस सबसे बड़ा बात, यहां पे टोटल वैल्यू लिक्विडिटी नहीं निकालना पड़ता गाइस। अगर आपको रियलिस्टिक डेटा चाहिए कि टोटल वैल्यू लिक्विडिटी से क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो गाइस आपको मार्केट कैप टोटल वैल्यू लिक्विडिटी रेशियो चाहिए होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है पैरामीटर, जिससे गाइस कोई भी कॉइन को आप जज कर सकते हो उनका लिक्विडिटी इंक्रीज करने से क्या वो टोकन वैल्यूड है कि नहीं है, या ओवर वैल्यूड है कि अनसोल्ड है। तो गाइस इसको निकालने के लिए आपको करंट प्राइस इनटू सर्कुलेटिंग सप्लाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि बेसिकली मार्केट कैप होता है, उसको गाइस आप डिवाइड कर दो टोटल वैल्यू लिक्विडिटी टोटल वैल्यू लॉक से। तो गाइस यहां पे मैंने डिवाइड करके आया हूं, तो गाइस जो मुझे रिजल्ट देखने को मिली है वो 0.7501 मिली है, जो कि लेस देन वन है। इसका मतलब क्या है कि बेबी डॉज का जो टोकन है वो अभी भी अंडर वैल्यूड है, मतलब गाइस इसमें अभी काफी ज्यादा पोटेंशियल है। तो गाइस कहीं ना कहीं गाइस ये काफी बात सच है, क्योंकि बाइनेंस लिस्टिंग नहीं हुआ है, रॉबिनहुड एक्सचेंज में लिस्टिंग नहीं हुआ, पॉपुलर एक्सचेंज में लिस्टिंग नहीं हुआ, और साथ ही साथ इनका लिक्विडिटी इंक्रीज करे, तो मतलब कहीं अंडर वैल्यूड टोकन है, जो कि गाइस आप यहाँ पे डेटा के साथ देख सकते हो। यहाँ पे जो इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई 115 क्वार्टिलियन में लिया हूँ, और गाइस इसमें इंक्रीज भी हुआ जो कि 215 क्वार्टिलियन के अराउंड हो चुका है। तो गाइस उसको आप चेकआउट करके अपने खुद भी निकाल सकते हो, मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। बात करें बेबी डॉज कॉइन के प्राइस की, तो गाइस डाउनवर्ड वेज में जा रहा है, क्योंकि यहां पे बीटीसी में गाइस आपको फॉल देखने को मिला है। आपको पता है 25 बेसिस पॉइंट से यहां पे एफओएमसी की रिजल्ट की मीटिंग है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो इससे गाइस थोड़ा सा मार्केट में आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है। प्राइस गाइस 2173 की सीरीज में ट्रेड कर रहा है, और गाइस यहां पे बेबी डॉज कॉइन की अपडेट्स की बात करें तो यहां पे बेबी डॉज कॉइन बाइनेंस को लेकर काफी ज्यादा हाइप ऑलरेडी मार्केट में क्रिएटेड है। नीचे आओगे तो गाइस यहां पे कुकॉइन ने रीट्वीट किया बेबी डॉज कॉइन को, कुकॉइन का व्हिच प्रोजेक्ट वुड यू लाइक टू सी गेट लिस्टेड ऑन कुकॉइन। तो गाइस आप समझ सकते हो ये क्या मूव होने वाली है, और साथ ही साथ इनका चेस गेम अभी लॉन्च हुआ है, तो वो भी गाइस बेबी डॉज कॉइन को यहां पे एक न्यू यूटिलिटी का सोर्स है। तो बेसिकली गाइस बेबी डॉज कॉइन काफी अंडर वैल्यूड टोकन है, बाइनेंस लिस्टिंग और भी काफी सारे मेजर एक्शन लिस्टिंग बची है, यूटिलिटी आनी बची है, तो गाइस कहीं ना कहीं काफी पोटेंशियल है। वीडियो में तक था गाइस, वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।